मई का महीना खत्म होने में अब केवल 3 दिन शेष हैं। 1 जून से आर्थिक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें से कुछ बदलाव तो ऐसे हैं, जिनके बारे में आपको तुरंत जानना जरूरी है, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं उन अहम बदलावों के बारे में। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। 1 जून को भी घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिरी बार मार्च के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिला था। उस समय घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए थे, वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले महीने सस्ता हुआ था। UIDAI ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए फ्री ऑनलाइन आधार अपडेट की तारीख 14 जून तक बढ़ा दी है। यानी 14 जून तक आधार अपडेट करने पर आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं आधार सेंटर पर पहुंचकर आधार अपडेट कराने पर आपको ₹50 शुल्क देना होगा। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की ये रकम 25,000 तक हो सकती है। यही नहीं, इस स्थिति में उसे 25 साल की उम्र तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 1 जून से ट्रैफिक नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम अगले महीने से लागू होंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर ₹500 का जुर्माना देना होगा। वहीं बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर ₹100 जुर्माना देना होगा।